ओह oh, हाय बच्चों बच्चों ये जो दर्पण या आईना है इसका उपयोग तो आप भी अपने घरों में करते हैं स्कूल जाते समय या बाहर जाते समय आप इस दर्पण में अपने आप को देखकर तैयार होकर बाहर निकलते हैं ये जो दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं ये समतल दर्पण है हम समतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं क्योंकि इसमें हम वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि हम हैं और हमने समतल दर्पण से परावर्तन की इस घटना के बारे में भी जाना कि जब प्रकाश इस समतल से टकराती है और टकराकर वापस आपकी आंखों तक पहुंचती है तब आपको इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है क्या आप जानते हैं एक और प्रकार का भी दर्पण होता है गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण यानी यदि हम कांच का कोई खोखला गोला ले लें और उसे अनुप्रस्थ तल से काट दें तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे हम उसका भीतरी हिस्सा भी देख पाएंगे और बाहरी भी उसकी जो भीतरी सतह होती है वो अवतल की तरह कार्य करती है और जो ऊपरी सतह होती है वो उत्तल की तरह कार्य करती है यदि इनकी सतहों पर पॉलिश कर दी जाए तो वो परावर्तक हो जाएंगी और दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेंगी तो जो भीतरी सतह है वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है और जो ऊपरी सतह है वो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करती है इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे हमारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसे जानने के लिए चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं देखिए ये है मेरे हाथ में स्टील का चमकदार करछुल ये तो आपके अपने घरों में भी होगा इसका उपयोग हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं इसको समझने के लिए करेंगे क्योंकि इसका ये जो बाहरी सतह आपको दिख रहा है ये उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और ये जो भीतरी सतह दिख रही है ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है तो चलिए हम इसमें प्रतिबिंब देखेंगे अब तो देखो बच्चों ये जो करछुल की भीतरी सतह है ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रही है और देखिए, इसमें मेरा जो प्रतिबिंब है ये दिख रहा है उल्टा और बड़ा भी दिखाई दे रहा है चलिए अब बात करते हैं बाहरी सतह की ये देखिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगा उत्तल दर्पण की तरह तो देखिए प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है सीधा है और छोटा है तो देखा बच्चों आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमें किस प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई देंगे उत्तल दर्पण में में हमारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा दिखाई देता है है इसलिए इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सी जगहों पर होता है। जैसे जो गाड़िया हम चलाते हैं उन गाड़ियों में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें चालक यानी कि ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सकता है वो जो मिरर यूज होता है वो जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण होता है बिल्कुल इसी प्रकार रास्तों में कई बार अंधे मोड़ आ जाते हैं अंधा मोड़ यानी जहाँ से दूसरी तरफ से आने वाली गाड़िया हमें दिखाई नो भी एक बड़ा सा मिरर आपने देखा होगा वो भी उत्तल दर्पण ही होता है बच्चों आपको एक बात बताऊं यदि आपको अपनी इमेज अपना प्रतिबिंब मजेदार तरीके से देखने हैं तो आप विज्ञान केंद्र जाएं वहां पे अलग अलग प्रकार के दर्पणों में आप अपने प्रतिबिंब को बड़े मजेदार तरीके से देख सकते हैं आपने बच्चों नया चम्मच देखा है या नई कटोरी जब इस नए चम्मच या नई कटोरी के सामने भी हम खड़े होते हैं तब उसमें भी हम अपने आप को देख पाते हैं लेकिन यहाँ एक खास बात है कि हम जिस प्रकार दर्पण में दिखते हैं वैसे इस चम्मच या कटोरी में नहीं दिखते अगर कटोरी के एक हिस्से में देखें तो हम अपने आप को बहुत बड़ा पाते हैं और उसको पलट कर देखें उसमें अपने आप को छोटा पाते हैं समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमारे ही आकार का बन रहा था यदि हम दर्पण के सामने खड़े थे लेकिन इस कटोरी या चम्मच में कभी हमारा चेहरा एकदम बड़ा सा दिखता है कभी छोटा सा दिखता है ऐसा क्यों हो जाता है वो चमकदार कटोरी या चम्मच जिसकी सतह चिकनी और चमकदार है वहां से भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उससे भी प्रकाश टकराकर वापस आपकी आंखों तक पहुंच रहा है तभी तो आप अपना प्रतिबिंब उस कटोरी या चम्मच पर देख पा रहे हैं लेकिन ये प्रतिबिंब बड़ा क्यों हो जा रहा है ये छोटा क्यों हो जा रहा है यहां हम देखें तो ये जो कटोरी या चम्मच है इसकी सतह प्लेन नहीं है समतल नहीं है बल्कि तो गोलाकार है और इस गोलाकार पृष्ठ के कारण ही परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि आप कभी बड़े दिखते हैं कभी छोटे दिखते हैं तो बच्चों चलो इस प्रकार के गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानें, बच्चों, मैंने कहा गोली दर्पण एक्चुअली गोली दर्पण एक गोल का हिस्सा होता है अब जानते हैं बच्चों गोल गोल शब्द कहते ही आपको बॉल का आकार गेंद का आकार ये दिमाग में घूमता है तो एक्चुअली जो दर्पण भी होता है गोल का हिस्सा होता है यानी कि जब इस दर्पण को हम त्रिविमीय रूप से मतलब चारों तरफ से फैलाएं तो निश्चित रूप से गोल आकृति ही बनेगी तो जब इस गोल आकृति दर्पण तो के नाम से जानते हैं इंग्लिश में हम इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं और आपने जाना था बच्चों कि समतल दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है एक कांच का टुकड़ा लेते हैं हम और उसके एक तरफ हम सिल्वर uh, की पॉलिश कर देते हैं गहरा रंग पोत देते हैं ताकि प्रकाश की किरण इस कांच से पार ना हो पाए मतलब कांच से तो पार हो जाती है पर जब ये सिल्वर धातु पर टकराती है तो सिल्वर धातु अच्छा पारावर्तक होने के कारण पूरे प्रकाश किरणों को वापस भेज देता है और इसके कारण ही आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आता है तो जब इस गोल के हिस्से को हम दर्पण बनाएंगे तो ये किस प्रकार से बनाया जाएगा

कांच को बना देता है और वही प्रकाश को रोकता है तो यहाँ पर हम देखें उभरा वाला हिस्सा चमकदार रहेगा जबकि धसा वाला हिस्सा यहाँ पर दर्पण के पीछे का हिस्सा बनेगा तो जो उभरा वाला हिस्सा है जो चमकदार बना है इस प्रकार के दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इसके धसे वाले हिस्से को हमने चमकदार बनाने के लिए पॉलिश कर दी अब यहां से देखेंगे हम तो उसका धसा वाला हिस्सा चमकदार दिखेगा जबकि उभरा वाला हिस्से अब पीछे देखेंगे तो इसमें गहरे रंग की पोताई की जाएगी तो ये दर्पण का पिछला हिस्सा बनेगा तो जिसमें इस प्रकार धसा हुआ हिस्सा चमकदार बनता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर इस अवतल दर्पण में ढसा हुआ हिस्सा चमकदार होता है और उभरा हुआ हिस्सा दर्पण का पीछे का हिस्सा होता है इस प्रकार दर्पण दो टाइप के हुए एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अब यहाँ याद रखना बच्चों बहुत आसान है कि जब मैं उत्तल बोलूँगी ऊ से उत्तल ऊ से उभरा तो इसका उभरा हुआ हिस्सा चमकदार होगा और जब मैं अवतल दर्पण कहूँ आ से अवतल और आ से अंदर जिसका अंदर हिस्सा यानी कि धसा हुआ हिस्सा चमकदार हुआ तो वो अवतल दर्पण तो इस प्रकार आप दर्पण के दोनों प्रकारों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं अब इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है आपने देखा बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो इस प्रकार डिफरेंट प्रतिबिंब इसमें किस प्रकार बनते हैं हम सबसे पहले इस दर्पण की संरचना को समझते हैं ये जो गोलीय दर्पण है किसी गोल का हिस्सा है मान लीजिए यहाँ पर हमने दो गोले लिए हुए हैं एक गोले से हमने एक हिस्सा काट के निकाला ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है और दूसरा वाला हिस्सा अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है अब इन दोनों दर्पण से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जानते हैं सबसे पहला ध्रुव यानी कि पोल इस अवतल दर्पण के बीचों बीच, यानी कि इसका ज्यामिति केंद्र उसे हम ध्रुव कहते हैं उत्तल दर्पण में हम देखें तो ये पोल है अवतल दर्पण में देखें तो ये पोल है मतलब इस दर्पण का जो बीच का हिस्सा होगा वो कहलाता है इसका पोल अब नेक्स्ट है केंद्र यानी कि के सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं यानी कि वक्रता केंद्र यदि इस गोलीय दर्पण को हम देखें तो ये एक गोल का हिस्सा था तो ये जो गोल का केंद्र होगा वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम देखें दोनों में गोल का केंद्र है लेकिन जब अवतल दर्पण की हम बात करें तो यह केंद्र दर्पण की चमकदार सतह के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में हम देखें तो यह केंद्र इस चमकदार सतह के पीछे होगा मतलब दर्पण के पीछे इसका केंद्र होगा और यही डिफरेंस के कारण ही आप देखेंगे जब प्रतिबिंब निर्माण होता है तो दोनों ही दर्पणों में अलग अलग तरीके से ही होता है क्योंकि टर्म्स तो दोनों ही दर्पणों से जुड़े हुए सेम हैं लेकिन अलग अलग स्थिति में होने के कारण ही यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण अलग अलग तरीके से होता है अब नेक्स्ट टर्म है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली त्रिज्या मतलब होती है गोले की केंद्र से लेकर उसकी परिधि तक की दूरी यदि हम यहाँ पर भी इसके केंद्र से इस दर्पण पर एक लम्ब खींचे तो वो कहलाती है इस दर्पण की त्रिज्या या हम कहते हैं उसे वक्रता त्रिज्या। तो जब हम अवतल दर्पण की बात करें तो वक्रता त्रिज्या यहाँ केंद्र और दर्पण से लेकर लंबवत दूरी होगी इसे हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और ये दर्पण के चमकदार हिस्से के सामने होगी लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यह वक्रता त्रिज्या इस दर्पण के पीछे हिस्से में होगी मतलब जो हिस्सा गहरे रंग से पुता होगा उसके पीछे इसकी त्रिज्या होगी और इसे हम कैपिटल लेटर आर से दर्शाएंगे अब नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष मान लीजिए हम एक ऐसी रेखा की कल्पना करते हैं जो इस दर्पण के केंद्र और इसके ध्रुव से होकर गुजरती हो तो इस रेखा को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष अब जब हम चित्र बनाते हैं तो इन किरणों को इस दर्पण पर आपतित करते हैं और जब किरणें इस दर्पण पर आपतित होंगी तो परावर्तन के नियम के आधार पर इनका परावर्तन होगा और परावर्तित किरणें कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये किरणें समांतर आएंगी इस मुख्य अक्ष के और परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलेंगे तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो कहलाता है फोकस जब हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये किरणें टकराकर इस बिंदु पर मिल रही हैं तो ये अवतल दर्पण का फोकस कहलाएगा लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये किरणें जो इसके समांतर आ रही हैं वो टकराने के पश्चात फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं क्योंकि इसकी वक्रता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर किरणें फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं और ये किरणें कभी भी परावर्तन के पश्चात आपस में नहीं मिलेंगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी तो हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं या फिर इस तरीके से देखते हैं कि ये किरणें उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये बिंदु कहलाएगा इस उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु तो फोकस बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात या तो किरणें मिल जाती हैं या तो किरणें वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है और इसे हम अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एफ से दर्शाते हैं अब इस उत्तल दर्पण में ये किरणें क्यों फैल जा रही थी इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं